हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में। तो ये हिमालयन 411 सीसी का है। कुछ दिन पहले ही अगस्त में मैंने 350 मेट्योर लिया था, तो और ये एक्चुअली 650 मेट्योर 650 है आपका। इसका वेटिंग पीरियड 6 to 8 months है, बट लकीली मुझे 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया, मैंने बुकिंग किया था। वेटिंग के अंदर होता है? जी, बुक करना पड़ता है जिस तरह गाड़ी को, नए मॉडल को। जी, ये 650 ऐसे ही आता है। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जो आज का वीडियो है भाई, वो है अब्बास अली का, जो कि पाकिस्तान के एक रिपोर्टर हैं और वो इंडिया विजिट करने आए थे। तो उन्होंने एक शोरूम में विजिट किया था जो कि रॉयल इनफील्ड का था, और वहाँ की बाइकें भाई देख के उन्होंने वो तो हैरान परेशान रह गए थे। और इस पर कई पाकिस्तानी लोगों ने भी रिएक्शन दिया है, जो कि आपको पता है कि हमेशा से कि इंडियन बाइकें देख के इन लोगों का क्या हाल होता है। तो भाई ये तो रॉयल इनफील्ड है हमारे यहाँ का, क्योंकि आप लोग जानते हो कि भाई बुलेट का स्टैंडर्ड हमारे देश में क्या है। तो देखते हैं कि भाई वो शोरूम में इनको क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी हैं और ये कितने हैरान रहे वहाँ पे, कौन कौन से मॉडल देखे हैं रॉयल इनफील्ड के इन्होंने। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। और भाई अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और साथ में भाई ओरिजिनल वीडियो के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी लाइक शेयर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मिलते हैं एंड में। चीज़ हमें मिले, हम गुजर रहे थे अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे खूबसूरत बाइक्स हंटर 350 रॉयल एनफील्ड के हैं, बहुत सारे सीसीज मोटरसाइकिल हैं। मेरे लिए बड़ी यूनिक चीज़ थी, क्योंकि कलकत्ता में हमने देखा कि सड़कों के ऊपर ये बाइक्स इस तरह के हमें नज़र आए, तो मैंने अचानक ही जब ये शोरूम देखा तो आई ट्राइड, और मैंने इनसे बात की कि आप, मैं इसका वीडियो शूट करना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारी इस जर्नी के अंदर हमने क्या क्या देखा और क्या क्या विज़िट किया। तो इन्होंने हमें इजाज़त दी, और थैंक यू वेरी मच इस शोरूम के जो मैनेजर हैं, जहाँ पर लोग हैं, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये वीडियो शूट करें। सबसे पहले मैं इस बाइक के ऊपर आता हूँ, ये भाई हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाना है उसके बाद। जी, मेरा नाम ओर्गो मजुमदार है, मैं यहाँ पे स्टोर मैनेजर हूँ, ये शाह डिस्ट्रीब्यूटर्स है कोलकाता में, रॉयल इनफील्ड का ऑथोराइज डीलरशिप। तो आप कोई कुछ भी जानकारी चाहिए, मैं आपको मॉडल वाइज सब कुछ जी, बता देता हूँ। ये फर्स्ट बाइक जी, ये रॉयल इनफील्ड का एक ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग या ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है, हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में। तो ये हिमालयन 411 सीसी का है, ये ऑलमोस्ट 25 BHP का पावर आउटपुट देता है, और आपका इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता में अराउंड 2.7 लाख का आ जाता है। 2.7 लाख का ये ऑन रोड आ जाता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से मॉडल वाइज जो मशीन है बहुत बेटर है। ये देखिए इसकी चाबी तो गाड़ी से भी बड़ी चाबी है जी। और ये लेते हैं लोग यहाँ पे लोग? जी जी जी, ये थोड़ा कोलकाता साइड में इसका डिमांड थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप जैसे ही नॉर्थ बंगाल या फिर नॉर्दर्न साइड इंडिया में भी चले जाइएगा, जहाँ पे हिल्स वगैरह ज्यादा होता है, उस तरफ बहुत डिमांड होता है। मतलब आप रेंट्स का भी बाइक देखने जाइएगा ना, उसमें आपको ये सबसे ज्यादा मिलेगा। मैक्सिमम लोड 7 kg, ये आपका जो आप बॉक्स कैरी करते हैं ना, हम लोग जो टॉप बॉक्स कहते हैं, तो आप 7 kg तक लोड कर सकते हैं। साइड में आप 25 kg ईच साइड आप पैनियर बॉक्सेस कैरी कर सकते हैं। ये कितने सीसी बताया आपने? 411 सीसी जी। अब ये बाइक है, ये 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। अभी ये रॉयल इनफील्ड का जी इस तरफ से हैं कि ज़रा थोड़ा सा अच्छा ब्रीफ करेंगे तो ज़रा अच्छा इसको प्रेजेंट किया जाएगा। रॉयल इनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, क्योंकि कोई कोई सोचता है ना बिग बाइक्स में थोड़ा चलाना में प्रॉब्लम हो सकता है, सब कॉम्पैक्ट डिजाइन में 350 cc इंजन, ऑलमोस्ट 21 BHP का पावर आउटपुट है, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 लाख ऑन रोड इसका प्राइसिंग चालू हो जाता है। ये जो मॉडल आप ये जो वेरियंट देख रहे हैं, इसका ऑन रोड है 1.98 लाख 350 cc का। तो ये बहुत ही कम है प्राइसिंग के हिसाब से। नॉर्मली क्या होता है, जो सिटी कम्यूटिंग जो लोग करते हैं, जिन लोगों को डेली बाइक चलाना होता है, थोड़ा कम्यूटर सेगमेंट 100 cc 125 cc, लेकिन उसी टाइप में आपको 350 cc का रॉयल इनफील्ड मिल जा रहा है। ये देखें जी, बिल्कुल इन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं इस बाइक की।
ये कितना पुराना कंपनी है ये? मेड इन ये 1901 से अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखने जाए ये ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। 1955 से इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग ये सब चालू है। से चालू है ये जबरदस्त जी। ये देखें जी, अब ये एक और बाइक है। ये इसका कलर आप देखें, बड़ा यूनिक सा कलर है। इसकी सीट्स देखें, ये इधर आए हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। वंडरफुल जी, क्या इसकी फिनिशिंग है इस बाइक की आप देखें कि आउटस्टैंडिंग। इसके लिए एक अलग स्टोरी है। एक्चुअली जब 1950s में पहला रॉयल इनफील्ड इंडिया में आया था तो पहले इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किया था रॉयल इनफील्ड को, सही, ये वॉर पर्पस यूज करने के लिए। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने, अभी भी इंडियन आर्मी में जितना मोटरसाइकिल चलता है सब रॉयल इनफील्ड का होता है, सही। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट करने के लिए ये एडिशन क्लासिक 350 में बनाया गया। इसको सिग्नल एडिशन कहते हैं। ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके, अब कलर से भी समझ में आ रहा है आपको कि ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके बहुत खूबसूरत कलर बनाया हुआ है। ये जो टैंक में स्टेंसिल नंबर्स है ना, ये यूनिक रहता है हर गाड़ी में ये। हाँ अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसका? नहीं नहीं नहीं, ये जस्ट एक सीरियल नंबर है टैंक में, हर गाड़ी का अलग होगा। इसमें कुछ आपको मतलब ऐसा नहीं है कि दो गाड़ी का आपको सेम नंबर मिल जाएगा, यूनिक नंबर्स होता है। ये भी हंटर 350 है। ये इस बाइक पे बनाए, बड़े जबरदस्त कलर कॉन्ट्रास्ट है। फिर मैं हेलमेट्स भी आपको दिखाऊंगा। ये इसका जरा थोड़ा सा बताएं जी। ये जो हमने वो वाला गाड़ी देखा 1.98 लाख जो ऑन रोड मैंने बोला, हंटर 350 उसका ही टॉप वेरिएंट है। इसका 2.03 लाख आ जाता है ऑन रोड, बाकी 350cc है। सेम कोई टेक्निकल डिफरेंसेस है नहीं, खाली कलर कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा प्राइसिंग चेंज, थोड़ा प्राइसिंग चेंजिंग है। हेलमेट देखें जी, कितने खूबसूरत हेलमेट है। ये इसी कंपनी के रॉयल एनफील्ड के हेलमेट्स हैं, लेदर कोटेड हेलमेट्स हैं। इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है लेकिन क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आप ये देखें जी, बहुत आउटस्टैंडिंग कलर्स और क्या कॉन्ट्रास्ट है। हेलमेट्स आपका ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए अगर कोई आप यूज़ करते हैं, जैसे हिमालयन मैंने बताया तो उसमें ये हेलमेट्स बहुत काम का आता है। किसमें इसमें शेड रहता है जो सनलाइट को ब्लॉक करता है, और इसका ये ब्रीदिंग पोर्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, इसमें ना पूरा फिल्टरिंग किया हुआ रहता है, आपको समझ में आएगा, सही है बिल्कुल। तो आप डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अगर चला रहे हैं तो आपका डस्ट इंटेक नहीं होगा, पूरा क्लीन ब्रीदिंग होगा इसके लिए। बहुत ज़बरदस्त जी। अब आगे ज़रा जाते हैं और एंड में इधर करूँगा जो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। पहले इधर मैं ये वाला बाइक इधर से आए जी, ये बाइक बहुत ज़बरदस्त शोरूम है। ये देखें जी, ये पार्ट्स खुले हुए हैं। इस बाइक को तैयार किया जाता है इसी तरह, ये ना जी। ये आपके पास लूज आता है और आप इसको तैयार करते हैं फिर? हाँ, अभी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, सही, तो पूरा असेंबल होके हम लोगों के पास आता है, ठीक तो है। ये डिजाइनिंग के लिए, विंटेज लुक देने के लिए इसको ऐसे रखा गया है। ये 535cc कॉन्टिनेंटल जीटी था, ये अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है मॉडल, लेकिन एक विंटेज लुक की वजह से इसको रखा गया है। और ये बहुत खूबसूरत कलर है, ये बुलेट 350 है। एक्चुअली इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, इंडिया में मैक्सिमम रॉयल इनफील्ड को बुलेट के नाम से ही हर कोई पहचानता है कि बुलेट मोटरसाइकिल है। तो ये मॉडल फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1932 में। ये सबसे ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मॉडल है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। ये थोड़ा फिर से रिबॉर्न हुआ है, थोड़ा नया इंजन, नया चेसी के साथ। ये बुलेट 350 cc इंजन है, सेम पावर आउटपुट है 21 bhp का, लेकिन थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज किया जी है। ये थोड़ा वो होता है ना मॉडर्न, मतलब जो एक विंटेज लुक भी है प्लस मॉडर्न एक फीलिंग भी आएगा इसमें, सही है। इधर आए जी, अब इस तरफ आते हैं इस बाइक की तरफ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी। अभी ये सबसे ये आपका बिग बाइक है रॉयल एनफील्ड का, 650cc है ये, सही। इसका 47 bhp पावर आउटपुट है, 52 Nm का टॉर्क आउटपुट है इसमें, बहुत ही पावरफुल है। ये प्रॉपरली एक क्रूजर है, इसको सुपर मीटियोर कहते हैं, मीटियोर 650cc। इसका पावर बहुत ही बेहतरीन है, 170-180 किलोमीटर पर आवर इजिली आ जाता है इसमें। इसमें आप स्पीड है 200 जी, टॉप 200 तक जाएगा। इसमें आप मीटर कंसोल में अगर देखेंगे, इसमें एक एडिशनल मीटर कंसोल भी आ जाता है जिसको ट्रिपल नेविगेटर कहते हैं। ये गूगल के साथ बिल्डअप किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, आप मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आपको मैप लगाने के लिए फोन अलग से रखने की जरूरत नहीं, उसमें ही आपका डायरेक्शन शो करेगा। गाड़ियों के अंदर जो लेटेस्ट कार्स है उसमें खुद ही नेविगेशन आ जाता है। उसके साथ साथ इसमें USB चार्जिंग पोर्ट ये सब इनबिल्ट आ जाता है। इसमें स्लीपर क्लच भी है, ये बहुत ही मॉडर्न है, डुअल चैनल ABS के साथ। ये आपका अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, LED हेडलैम्प है, मतलब बहुत ही मॉडर्न क्रूजर है। जी सस्पेंशन वगैरह जी अपसाइड डाउन है ना, USD है फ्रंट पे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग यूनिक चीजें हैं, बड़ी यूनिक बाइक्स है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है आपका या ये क्या? PDI है ये, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इसको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो सेक्शन होता है। इसमें कोई भी गाड़ी अगर डिलीवरी होता है तो इसमें एक्सेसरीज फिटमेंट, गाड़ी को रेडी करना, ये सब पोर्शन ये पोर्शन में होता है, सही। और ये जो है ये वाले, अब ये देखें जी कलर, इसके आप कलर जरा दिखाएं जी इस तरफ, ये देखें जी क्या खूबसूरत कलर्स हैं।
ये मीटियोर क्रूजिंग के लिए नया लॉन्च हुआ है, इसमें स्पोक रिम्स आता है, और आप जो पास में जो येलो वाला देख रहे हैं वो भी मीटियोर 350 है, दोनों 350 सीसी है, लेकिन 350 सीसी होने के बावजूद भी ये क्रूजिंग के लिए थोड़ा आप किस्म के कलर्स मैंने शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को जी, में बहुत बहुत वाइब्रेंट है, वो मैंने देखे हैं, बहुत वाइब्रेंट। अगर कभी भी आप रॉयल इनफील्ड का ऑफिशियल पेज एक बार चेक करेंगे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करेंगे, आपको बहुत सारा कलर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका वाइब्रेंट रेड कलर आता है, येलो आता है, ग्रीन आता है, ब्लू आता है, मतलब यंग जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट है पूरा। अब ये देखें जी, ये जो लूज आई है चीजें, अब इसको ये यहाँ पर फिटमेंट हो रहा है जी, हो रहा है जी, इसको तैयार कर रहे हैं जो भी कस्टमर ये लेने वाले भाई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जबरदस्त चीज आपको मिले। ये कितने का मिला है और क्यों आपको ये शौक है, थोड़ा सा बताएं कि हैवी बाइक्स का, बाइकों का काफी शौक है मुझे। कुछ दिन पहले ही अगस्त में मैंने 350 मेंटियोर लिया था, तो और ये एक्चुअली 650 मेंटियोर 650 है आपका, इसका वेटिंग पीरियड 6 to 8 months है, बट लकीली मुझे 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया, मैंने बुकिंग किया था। वेटिंग के अंदर होता है जी, जी, बुक करना पड़ता है जिस गाड़ी को, नए मॉडल को आप बुक करते हैं। जी, ये 650 ऐसे ही आता है, तो मुझे लकीली 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया, तो वो मैंने सेल करके मैं बस आज लकी मैं आज तो गाड़ी इस प्राइस में तो एक अच्छा गाड़ी भी आ जाता है जी, आ जाता है, लेकिन शौक की बात बस है। शौक अलग अलग शौक है, किसी को फोर व्हीलर का शौक रहता है, किसी को टू व्हीलर का शौक रहता है, बस मुझे बाइकों का शौक है। ये देखें जी, ये दिखाएं, ये आखिरी ये ट्रेल है, ये ट्रेल ही है ना वो जो, अच्छा जो पहले जो ग्रीन कलर का हिमालयन हम लोगों ने दिखाया उसका ही ब्लू कलर है ये, और उसके पास में ये भी 650 सीसी है, इसको इंटरसेप्टर कहते हैं, ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये वाला, हाँ इंटरसेप्टर 650 है, ये भी 650 सीसी इंजन में, ये थोड़ा रोडस्टर टाइप मॉडल है, मतलब आप स्ट्रेट बैठ के चलाने वाला, सिटी में चलाएंगे, हाईवे क्रूज करेंगे इसके लिए। और ये बुलेट 350 मॉडल ही है जो मेरून वाला कलर आपको दिखा है, उसका टॉप वेरिएंट है, ये मैट फिनिश में आता है, टेक्निकली कोई चेंजेस नहीं है, कलर वाइज खाली चेंजेस है। तो ये इतना टाइम लिमिट क्यों है बुकिंग के अंदर, क्यों इतना नहीं, सब मॉडल का नहीं होता है, जैसे आप 350 सीसी सेगमेंट का कोई भी बाइक लीजिए, ये आपको रेडी टू डिलीवर मिलेगा। 650 सीसी में थोड़ा डिमांड होता है, क्योंकि 650 सीसी आपका बुकिंग वाइज ये गाड़ी बनना चालू होता है, इसके लिए आपको थोड़ा वेटिंग पड़ जाता है, लेकिन कभी कभी होता है जैसे सर ने भी बोला कि 8 months का ऑफिशियल वेटिंग है, सर को 3 months के अंदर गाड़ी मिल जा रहा है। ये देखें जी, जैकेट्स स्पेशल, ये बाइक्स जो हैवी बाइक्स चलाते हैं ये स्पेशल ये जैकेट्स भी साथ पहनते हैं। ये देखें जी, ये प्रिकॉशंस लगे हुए हैं, सेफ्टी सारी, पूरा प्रोटेक्टिव जैकेट्स है ये आपका, इसमें हर टाइप का प्रोटेक्शन आ जाता है, जिसमें आपका एल्बो प्रोटेक्टेड है, शोल्डर प्रोटेक्शन है, बैक प्रोटेक्शन है, कुछ कुछ जैकेट्स में जैसे वो आप येलो वाला जो प्रोटेक्टर देख रहे हैं ये चेस्ट गार्ड है, तो कुछ हाई रेंज जैकेट्स में चेस्ट गार्ड भी आ जाता है, इसको आप ऐड भी करते हैं इसके साथ, आपके ये पूरा सेफ हो जाता है, आप कभी भी लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं या शॉर्ट राइड्स भी कर रहे हैं किसी टाइप ऑफ डैमेज के लिए आपका आपको सेफ रखेगा पूरा। और ये ग्लव्स भी, ये भी सेफ्टी ग्लव्स, ये भी हैवी बाइक्स के साथ सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स, हर किस्म के ग्लव्स हैं, हर किस्म की सेफ्टी चीजें, हेलमेट्स बड़े खूबसूरत हैं बाइक्स के साथ, कलर बकायदा जो है इसके मैच करते हैं सारी बाइक्स के साथ जी, बाइक कलर्स वाइज सब, और शूज भी हैं साथ, क्योंकि हैवी बाइकर जो होते हैं, हम देखते हैं कि जो भी हैवी बाइक्स चलाने वाले होते हैं उनके शूज भी बड़े हैवी होते हैं, क्योंकि ये सारी सेफ्टी प्रोटेक्शंस की चीजें हैं, ये कंपनी के टी शर्ट्स भी हैं, तो बड़ा जबरदस्त शोरूम है, बड़ा इंप्रेसिव। ये देखें लूज, ये दिखाएं जरा, ये सीट्स और एवरीथिंग यू कैन गेट, एक ही छत के नीचे बैग्स भी हैं, आपने अगर बाइक के साथ बैग लटकाने हैं अपनी चीजें तो वो भी आपको यहाँ से ही मिलेंगे, यानी एक शोरूम के अंदर, एक ग्रुप के अंदर हर चीज बाइक की एवरीथिंग। अच्छा, इसकी सर्विसेज भी होती हैं, आप लोग देते हैं सर्विस सेंटर, सेल आफ्टर सर्विस, ये हम लोगों का यहाँ से कुछ 5 मिनट दूरी में हम लोगों का सर्विस सेंटर है, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में हर गाड़ी के साथ आपको 4 free सर्विस मिलता है कंपनी की तरफ से, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग करवाइए, वो 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट करवाना होता है, और कम्प्लीमेंट्री वारंटी भी रहता है 3 years का। अच्छा, इसका पेट्रोल का कंजप्शन कितना है? जितना बाइक है वो आपको 35-36 को सिटी माइलेज मिल जाएगा, 35 किलोमीटर पर लीटर सिटी माइलेज मिल जाएगा, 411 जो बताया वो आपका 30-32 दे देगा, और जो 650 है ये अराउंड 25-27 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे देगा। वीडियो को क्लोज करेंगे, लेकिन जो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके लगे हुए हैं उस पर मैं चाहता हूँ कि चूंकि ये एक अप्रिसिएशन है, एक अच्छी गुड क्वालिटी की चीज़ें हैं जो इनको यहाँ पर देखें जी, ये सर्टिफिकेट्स, इसमें बहुत सारा मतलब रॉयल इनफील्ड का ही जो अर्न किया हुआ सर्टिफिकेट्स है, जैसे ये आप देख रहे हो फ्लाइंग फ्ली, ये एक्चुअली ब्रिटिश आर्मी को, ये तब रॉयल इनफील्ड एक्चुअली ब्रिटिश कंपनी था पहले, तो वॉर के टाइम ये बाइक 57 किलोस का था खाली, मतलब आप देख रहे हैं ना, हाथ से कैरी कर सकते थे, तो ये किसको, इसको क्या किया जाता है, एयर ड्रॉप किया जाता था
और भी सब बहुत सारा सर्टिफिकेट्स है, जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का, ये एक दूसरा मॉडल है, वॉर के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल सिक्स डेज ट्रायल बहुत साल कंटिन्यूअसली रॉयल एनफील्ड ने जीता था, इसमें बहुत टफ टेरेन होता था, तो वो भी रॉयल एनफील्ड जो राइडर्स था वो रॉयल एनफील्ड लेके वो जीता था बहुत कंटिन्यूअसली। ये कॉन्टिनेंटल जीटी ब्रिटेन का फर्स्टेस्ट 250 सीसी मोटरसाइकिल था। कैफे रेसिंग एक कॉन्सेप्ट था कि एक कैफे से दूसरा कैफे तक रेस किया जाता था, उसमें ये सबसे फास्टेस्ट मोटरसाइकिल था, जिसको जिससे इंस्पायर्ड होके वो 535 सीसी अभी आया है 650 सीसी। बहुत आप इंटेलिजेंट मार्केटिंग ऑफिसर हैं, जिस तरीके से आपने समझाया, अगर किसी कस्टमर को आप समझाएंगे तो फौरन वो ये बाइक ले लेगा। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और सारा कुछ एक्सप्लेन किया। ये रॉयल एनफील्ड का एक शोरूम था, हम होटल जा रहे थे और हमने ये मौका देखा, हमने रिक्वेस्ट की, थैंक्स अगेन। इंडिया के अंदर हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, हम किसी से भी मिलते हैं उनको बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से वार्मली हमें कहा जाता है कि ठीक है ओके। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप ये देखें कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग किस्म का शोरूम अट्रैक्शन है इंडिया के अंदर। कोलकाता में और भी शहरों के अंदर इस किस्म के शोरूम्स होंगे और लोग इन बाइक्स के बड़े क्रेज़ी हैं। हमने यहाँ पे रोड्स के ऊपर भी ये बाइक्स देखे और अचानक हमने सोचा कि हम इसको यहाँ पे जाके कैप्चर करें। कोलकाता से कि भाई इंडिया में किस हद तक, क्योंकि जो एक चीज़ सहाफ़ी दिखा सकता है ना, वो एक नॉर्मल बंदे ठीक है दिखाते हैं ज़रूर, लेकिन ये लोग टच होते हैं जो बड़े, लेकिन अब देख लो कि वो गए हैं एक और मतलब एक ऐसी चीज़ दिखाई है कि भाई हैरान रह जाता। कभी ये यकीन करे, कभी चले जाए ना मार्केटिंग में तो रेट उधर से सुने, इसको भाई अटैक हो जाना, अटैक हो जाना, क्योंकि ये एकदम बोला कि यार इतने में तो गाड़ी भी आ जाती है। लेकिन बाइक्स पर आए ना, वाकई भाई बाइक्स काफी खूबसूरत थे और एक मेड इन इंडिया थे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक हर एक नॉर्मल बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास ऐसा एक बाइक हो, मैं एक खरीदूँ। खास करके एक इंडिया में लोग खरीद लेते हैं, वो अपने एक ख्वाब पूरे कर भी लेते हैं, लेकिन जो एक पाकिस्तान में है ना, वो एक काफी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए अपने ख्वाब पूरे करना। खास भाई बाइक का तो मुझे खुद बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए जब मैं इंडियन बाइक देखता ना, यकीन जाने मेरी जो है रालें जो है वो टपकती हैं, क्योंकि भाई आपको हर कैटेगरी की जो है ना वो बाइक जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि हर जो एक बंदा ना जो उसकी इनकम है उसके हिसाब से जो है ना बाइक को कैटेगराइज किया गया हुआ है। बट मुझे जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मुझे बाइक से इतना नॉलेज नहीं है, बट मेरा ख्याल में कि रॉयल एनफील्ड है स्पेशल प्लेस, क्योंकि उसकी जो एक विंटेज लुक आती है और जो उसका कलर टेक्स्चर रहता है बहुत खूबसूरत लगता है, सीरियसली इतनी क्लासिक लुक, मतलब आपको देखकर दिल करता है कि हाँ ये बाइक जो है वो आपको लेनी चाहिए। ऑल दो अगेन मौजूद मेरा मजाक बनाना शुरू हो जाएगा जब मैं बोलूंगी ना कि बहुत हैवी बाइक्स होती हैं, आई नो, लेकिन ये कि बहुत सारी महिलाएं जो है मैंने देखा है इंडिया में वो चलाती हैं। तो एक पाकिस्तानी जब इंडिया में एक शोरूम पर पहुंचता है और रॉयल एनफील्ड देखता है, उसका शोरूम देखता है, तो ये उसके मन में ख्याल आता है कि यार हम जो चीज़ें पाकिस्तान में मिस करते हैं, हमारे पास ये जो चीज़ें नहीं है, क्यों ना इनका एक रिव्यू लिया जाए। तो वो कोलकाता में उन्होंने शोरूम रोड के ऊपर जब ये बाइक्स रॉयल एनफील्ड चलते हुए देखे तो उनमें एक क्रेज़ पैदा हुआ और सोने पे सुहागा ये कि होटल जाते हुए उन्हें रस्ते में शोरूम भी मिल गया रॉयल एनफील्ड का। लेकिन जो वहाँ पे सेल्स मैनेजर जो वहाँ पे थे तो उन्होंने मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया और काफ़ी पुरजोश और एक्साइटेड अंकल जो है वो नज़र आ रहे थे इस वीडियो को। मतलब जाहिर है कोई भी होगा, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं क्योंकि एक बाइक लवर हूँ तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होता, पर जोश होता इन चीजों को देखने के लिए। मतलब और यार इनके पास हर तरह का रॉयल एनफील्ड पड़ा था, मतलब मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बाइक सही जगह पर गया, हमारी जो पसंद वाली जगह थी ना ये उधर गया। मैं कहता हूँ बाद शबीर सर को भी मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा। वो उन्होंने कहा ना कि मैं अक्सर देखते रहता हूँ, ये घूमते रहते हैं, तो मुझे बड़ा शौक हुआ, हमने मैंने कहा मैं देखूंगा इसको, ये सारा कुछ शौक हो गया, भाई क्या चीज दिखाई यार वाकई में, ये
अलग चीज होती है, अलग लुक होती है, मजा आता है इसको देखकर, ऐसे बाइक को मजा आता है चलाने में। हमारा रॉयल एनफील्ड हमारा ड्रीम बाइक है, ये कभी ना कभी तो पाकिस्तान में आएगा। देखो मैं तुम्हें, अरे भाई साहब यार, आप खुद सोचो इस पाकिस्तानी ने आप लोगों की बाइक्स को कह रहा है हैवी बाइक्स, हैवी बाइक्स भाई। यहाँ से तुम समझो हमारे यहाँ पर बाइक कैसे होते हैं, जब वो वहां के एक नॉर्मल बाइक को बोल रहा है हैवी बाइक, वो तो खुद सोचो यार, यहाँ पर हमें कितनी गंदी टट्टी बाइकें मिलती हैं। बाइकें उधर इधर देखी नहीं है ना भाई, उधर देखता है वो भाई, उसका हाथ ही बाइक से नहीं हट रहा, वो भाई उसकी नजर उन बाइकों से नहीं हट रही, उसके मुंह से देख देख कर पानी आ रहा है भाई साहब। ये बाइकें हैं कि क्या बीस्ट खड़े हुए हैं यहाँ पर। वो एक बंदे से पूछ रहा है कि तुमने ये बाइक ली है कि तुम तो गाड़ी भी ले सकते हो, वो बोला मेरा शौक है ये बाइकें चलाने का। वही ना भाई, जहरी बात है, रॉयल एनफील्ड एक ब्रांड है और भाई भारत का ब्रांड, और वो जो बाइकें वहां पर खड़ी हुई थी एक से बढ़ के एक कमाल यार, मतलब इतनी सस्ती बाइकें जितनी की आप लोगों को वहां पर के मिल रही है, इधर भाई हमें खटारा सा CD70 मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और भाई रॉयल एनफील्ड की बाइकों का तो भाई इंडिया में क्रेज है ही, और बाहर भी जो लोग देखते हैं इनका क्रेज है, और बाहर भी कितनी सेल है इनकी, हालांकि पाकिस्तान में तो है नहीं वहां पे, तो ये लोग यूट्यूब वगैरह या ऐसे वीडियोज में ही देख सकते हैं। तो भाई जो ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आए थे, ये भी कितने एक्साइटेड लग रहे थे और बड़े खुश लग रहे थे वहां शोरूम में जाके, तो हालांकि ये भी बेचारे क्या करें, खरीद तो सकते नहीं ज़्यादा है भाई, राइड रूड ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से लेके पाकिस्तान तो जा नहीं सकते। तो भाई आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट में ज़रूर लिखना, तो और साथ में भाई वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।